नमस्कार, मैं कृष्ण गुप्ता, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहा है और सभी प्रत्याशी अपनी कमर कस लिए हैं इस चुनावी मैदान में। आज हम आए हुए हैं पंचायत भवानीपुर कठौन, ग्राम जगन्नाथपुर। हम यहाँ पे आए हुए हैं 4 नंबर वार्ड में और हम चलिए मिलते हैं यहाँ के जो वार्ड प्रत्याशी जो इस बार खड़े हो रहे हैं, जिनका नाम है शंकर प्रसाद गुप्ता। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता हुआ जी। आप किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं? वार्ड सदस्य के लिए। जी सर, आपको विकास में क्या कमी दिखी जो आपने खुद ठाना कि मैं भी जो है इस उम्मीद पर पद पर खड़े हुए हैं? विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ, उसी उम्मीद से खड़े हुए हैं कि जनता का विकास करेंगे। जी, यहाँ पे सड़क का नाला का क्या व्यवस्था है? सड़क नाला एकदम चौपट है जी, मतलब सब जगह नहीं है? सब जगह नहीं है। गली कुची में? गली कुची में भी नहीं है। नहीं है? नहीं। ये वृद्धाश्रम जो कि ये विधवा पेंशन है, वो यहाँ पे सभी लाभार्थी को मिले हैं? सभी लाभार्थी को नहीं मिल पाया। नहीं नहीं। सर, यहाँ शिक्षा कैसा व्यवस्था है? शिक्षा तो एकदम खत्म है। स्कूल है लेकिन यहाँ टीचर उतना नहीं है, इसलिए शिक्षा नहीं हो पा रहा है। सर, छोटे बच्चे के लिए यहाँ पे आंगनवाड़ी होगा सर? हाँ, आंगनवाड़ी है जी। पढ़ाई होती है सर उसमें? पढ़ाई होती है। शिक्षक आते हैं? शिक्षक आते हैं। और सर, ये गरीब जैसे कि लोग हैं वो इंदिरा आवास के जो है उनको जरूरत होता है, तो यहाँ पे जितने भी गरीब हैं उनको इंदिरा आवास मिला है? सबको नहीं मिल पाया है। सबको नहीं मिला है, यानी कि 100% माने कितने लोगों को मिला है? कम से कम 30% हुआ है। सर, आपने जो ये ठाना कि हम वार्ड पार्षद के लिए खड़े होंगे, ऐसा आपने और भी कुछ पद थे, मुखिया थे, सरपंच थे, ऐसा आपने? नहीं, पहली बार खड़े हुए हैं जी। इसलिए जो स्वच्छता अभियान जो चालू हो रहा है, जैसे कि चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये जो कि है सभी के घरों में यहाँ पर जो कि है ये शौचालय बनवाया गया है? शौचालय सभी के घरों में नहीं बनवाया गया है। कितना परसेंट से शौचालय बनाया गया है यहाँ? 40 से 50% बना हुआ है जी। यानी कि 50% काम अभी नहीं हुआ? काम नहीं हुआ है जी। ये किन के माध्यम से काम हुआ है? ये काम कीजिए वार्ड के माध्यम से हुआ। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 के, जो इनको बहुत सारी परेशानी आ रही थी, ताकि इन्होंने खुद ठाना कि मैं भी इस मैदानी में आऊं और कुछ अच्छा विकास करूं। सर, ये जो आपने ठाना है कि वार्ड मेंबर से आप खड़े हुए हैं, ये आपकी खुद की सोच है या फिर जनता की सोच है? खुद की सोच है और जनता की भी सोच है जी। जनता ने आपको उत्साहित किया? उत्साहित किया, मैं खड़ा हुआ जी। सर, ये जो कि नल जल घर घर नल जल जो है, ये योजना सभी के घर में है? हाँ, सभी के घर में पहुंच गया है जी। मतलब कि 100 में से 100% काम हो चुका है, नल जल का काम पूरा हो चुका है। ये जो कार्य हुए हैं ये किन के थ्रू हुए हैं? ये वार्ड के थ्रू हुए जी। वार्ड के थ्रू हुए हैं। स्वच्छता, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।